हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है 27। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 26 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी क्यू के बाईं ओर केवल पी बैठा है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर देखिए एक पंक्ति में यहाँ पर लिखे ना कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक पंक्ति में उत्तर की तरफ, तो उत्तर किधर होता है, ऊपर की तरफ होता है। ठीक, उत्तर आपको ऊपर की तरफ होता है, व्यक्ति बैठे हैं। फिर उसके बाद में आगे दिया है, देखिए यहाँ से एक डायग्राम बनाएंगे तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे दक्षिण होता है। यहाँ तक समझ गए। अब आपसे पूछा ना कि क्यू क्यू के बाईं ओर पी केवल बैठा है, क्यू क्यू के बाईं ओर। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्यू को रख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर हम क्यू रख लेंगे। क्यू क्यू के बाईं ओर क्या बैठा है, क्यू के बाईं ओर पी बैठा है। यहाँ से बाईं ओर, तो बाएं ये इधर हो जाएगा, ये बायां हो गया, ये बाएं हो जाएगा, ये इधर से ये दाहिने हो जाएगा। ठीक है, हो गया दाएं हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि टी और आर के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। टी और आर के बीच में कितना, तीन व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ पर देखिए ना कि टी और आर, तो मान लीजिए यहाँ से क्या रखते हैं, यहाँ पर हम टी रख लेते हैं। ठीक, टी हो गया। टी और आर के बीच में कितने व्यक्ति बैठना चाहिए, तीन व्यक्ति। तो मान लीजिए यहाँ से एक हो गया, यहाँ से दो हो गया, यहाँ से तीन हो गया, यानी एक दो तीन, तो ये चौथा स्थान पर बैठेगा ना, तभी ना तीन व्यक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया, आर हो गया। बोल रहा है कि क्यू और आर के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठा है, हो गया। अब आपसे क्या पूछा है कि टी और आर के बीच केवल तीन व्यक्ति, टी और आर के बीच में तीन व्यक्ति बैठा दिए। अब आगे फिर बोल रहा है ना कि क्यू और आर के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। अब यहाँ से पूछ रहा है कि क्यू और आर के बीच में अभी कितने व्यक्ति बैठे हैं, तीन व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए क्यू ई वाला है, क्यू और आर के बीच में भी तीन व्यक्ति बैठे हैं। तो क्यू एक हो गया, क्यू के बाद में एक दो हो गया, दो एक तीन हो गया, क्यू के बाद में भी तीन बैठ गया, यानी क्यू और आर के बीच में भी तीन है और आर और टी के बीच में भी तीन व्यक्ति हैं। इतने यहाँ तक समझ गए। अब देखिए अब इसमें आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एस एस आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो एस है ना, एस एस आर के दाहिने ओर बैठा है, यानी जो आर है, आर आर यानी एस जो है ना, एस के दाहिने ओर कौन बैठा है, आर बैठा है। तो एस के दाहिने ओर देखिए यहाँ पर क्या देखिए एस दिया, ठीक, एस आर के दाईं ओर बैठा है। तो आर के दाहिने ओर कौन बैठा है, एस बैठा है। तो आर इधर यहाँ है, आर के दाहिने तरफ यहाँ हो जाएगा, ये कौन बैठा है, एस बैठा है। फिर आगे दिया कि पी पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। तो पी देखिए एक पंक्ति के सिरे पर यहाँ बैठा है, ठीक, कहाँ बैठा है, यहाँ पर पी बैठा है। फिर उसके बाद में आगे देखिए यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, अब इसमें कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। अब से पूछा है ना कि तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे, तो कुल कुल पूछा है कि उसमें कितने व्यक्ति हैं। देखिए तो कुल टोटल कितना व्यक्ति हो गया, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, टोटल कितने व्यक्ति हैं, दस व्यक्ति हैं। कितने हैं, दस व्यक्ति हैं, यहाँ पर दस व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति, दस व्यक्ति। तो दस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए आदित्य बिंदु एक्स से शुरू करके दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बना लेंगे, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है और नीचे में आपको दक्षिण होता है। आपसे क्या पूछे कि आदित्य जो है ना वो एक्स बिंदु से चलना शुरू करता है, वो दक्षिण की तरफ जाता है और कितना चलता है, 30 मीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स को रख लेते हैं, मान लीजिए ई एक्स हो गया, यहाँ से ऊपर में और रख लेते हैं। ठीक, देखिए ई एक्स हो गया, एक्स यहाँ से चलना कहाँ, दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण नीचे है, कितना चला है, 30 मीटर चला है। तो मान लीजिए ई कितना हो गया, 30 मीटर हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ से क्या करते हैं, दक्षिण की तरफ चल रहा है ना, तो यहाँ से इतना ही चलाएंगे। ठीक, दक्षिण 30 मीटर चल गया।
और फिर आगे दिया है ना कि वह फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो जब इधर जाएगा तो बायां मुड़ेगा तो बायां इधर हो जाएगा, ठीक। बायां मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चला दिए। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है तो दाहिने नीचे मुड़ेगा, दाहिने मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर चलता है। अब देखिए, अब फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है चलता है, फिर वह पुनः दाहिने मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। दाहिने मुड़ गया, फिर दाहिने मुड़ेगा कितना चला है, 40 मीटर चला है, यहाँ से 40 मीटर हो जाएगा। अब आगे देखिए, बोल रहा है कि अंत में वह एक अंतिम बार दाहिने मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। एक बार फिर अंतिम बार में 40 मीटर दाहिने मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, तो दाहिने इधर मुड़ेगा, 40 मीटर चला, कितना चला, 40 मीटर, ये 40 मीटर हो गया। फिर इसके बाद में आगे देखिए, अब आगे क्या बोल रहा है, 40 मीटर चलता है, बिंदु वाई पर पहुंचता है, कहाँ पहुंच गया, बिंदु वाई पर, ई वाई हो गया, वाई पर पहुंचता है। बिंदु एक से, बिंदु वाई से कितनी दूर और किस दिशा में है, यहाँ से पूछा है ना, देखिए अब यहाँ से क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है कि वाई और बिंदु एक्स के बीच की दूरी भी बताना है, कितने हैं और इस किस दिशा में है वो भी बताना है, ठीक। देखिए यहाँ पूछा भी है कि बिंदु एक्स बिंदु वाई से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर पहले किलोमीटर निकाल लेते हैं, तो किलोमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब ई भी आपको क्या दिया है, 40 दिया है, ये कितना दिया है, ये 40 दिया है ना, तो इसको छोड़ देंगे, देखिए पहले इसको छोड़ देंगे, पहले ऊपर लो, देखिए ये कितना दिया है आपको, 40 दिया है, क्योंकि देखिए ये टोटल कितना दिया है, 40 दिया है, टोटल कितना दिया है, 40 दिया है, लेकिन 40 में ई देखिए यहाँ से आएगा तो ई इस तरह आएगा तो 20 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें 20 कट जाएगा, क्योंकि 40 ई भी है, 40 ई भी है, तो यहाँ से 20 घटा लेंगे, ये कितना है, 40, टोटल कितना है, 40, 40 में से जब हम 20 घटा लेंगे, क्योंकि 20 ई वाला है, बी वाला 20 ई है ना, 10 30 20 20 ई है, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम माइनस कर लेंगे, तो जब 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचा है, कितना बचा है, 20 बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 40, 40 में से जब 20 ई वाला हो गया तो 20 ना बचेगा, इसमें से माइनस हो गया, 20 बच गया। अब देखिए, अब फिर इसके बाद में क्या करेंगे, 20 हो गया, ये तो 20 मीटर आ गया, कितना गया, ये टोटल कितना हो गया, 20 मीटर। अब आपसे पूछा है कि किस दिशा में है, ये कहाँ से चलना शुरू किया था, एक्स कहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ से दक्षिण की तरफ, कहाँ, यहाँ से दक्षिण की तरफ चलना शुरू किया था, यहाँ से दक्षिण चला, दक्षिण से ये किधर चला। तो अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ना कि देखिए बिंदु एक्स जो है ना, एक्स वाई से किस दिशा में, तो वाई यहाँ पर है, वाई से किस दिशा में, तो वाई से ये पूर्व दिशा में है। जब यहाँ पर मान लीजिए एक्स रख लेंगे, यहाँ पर वाई रख लेंगे, यहाँ पर जब वाई रखेंगे तो एक्स आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो एक्स पूर्व दिशा में है, यानी 20 मीटर पूर्व दिशा में, यानी हो जाएगा 20 मीटर पूर्व दिशा में, यानी देखेंगे 20 मीटर पूर्व दिशा में किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि संख्या 26 39 से 71 45 के सभी अंकों को आरोही क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर एक संख्या दिया, ठीक, अगर पूछ रहा है कि ये संख्या का अगर दाहिने से बाएं हम लिखेंगे तो मूल संख्या की तुलना में अंकों की स्थिति, यानी अंक की स्थिति है ना, वो कितनी अंक की स्थिति है जो अपरिवर्तित रहेगी, ठीक, बदलेगी नहीं। देखिए इसको किस तरह बनाएंगे, कितना दिया है, 26 दिया है, कितना हो गया, 26 हो गया, फिर कितना हो गया, 39 हो गया, फिर कितना हो गया, 71 हो गया, फिर कितना हो गया, 45 हो गया, ये क्या था, ये मूल संख्या था, ठीक, ये मूल संख्या, यहाँ पर क्या करेंगे, मूल संख्या होगा, ठीक, ये मूल संख्या लिख देते हैं, मूल संख्या होगा, ये संख्या होगा, ठीक, मूल संख्या होगा। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि आरोही क्रम में सजाएं दाहिने से बाएं, तो आरोही क्रम के मतलब क्या होगा, ये देखिए एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में चार, चार के बाद में कितना आ जाएगा, चार के बाद में पाँच, लेकिन पाँच इसमें दिया है, हाँ पाँच दिया है, तो पाँच हो गया, पाँच के बाद में छः, छः के बाद में सात, ठीक, सात के बाद में, सात के बाद क्या दिया है, नौ दिया है, तो नौ रख लेंगे, कितना हो गया, नौ हो गया।
अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, ई कितना हो गया, ई कौन सी संख्या हो गया, ई आरोही क्रम संख्या, यानी आरोही क्रम, ये आरोही क्रम है, आरोही क्रम हो गया, क्या हो गया, आरोही क्रम है, ठीक, ये आरोही क्रम में सजा दिए, फिर इसको मूल संख्या हो गया। अब आपसे पूछा है कि स्थिति बताना है, स्थिति क्या है, देखिए बोल रहा है ना कि आरोही क्रम में दाहिने से बाएं अवस्थित करने पर मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहे, इसमें कितनी ऐसी संख्या है जो कि अपरिवर्तित है, जिसका संख्या नहीं बदला है या परिवर्तित बदला नहीं है। देखिए दो का एक बदल गया है, छः का दो बदल गया है, लेकिन तीन का देखिए तीन बदला है, यानी तीन का तीन है, तीन का अपरिवर्तित है, तीन नहीं बदला है, ठीक। नौ का चार बदल गया है, सात का पाँच बदल गया है, एक का छः बदल गया है, चार का सात बदल गया है, पाँच का नौ बदल गया है, यानी ऐसी एक संख्या है जो अपरिवर्तित है। कितनी संख्या है, एक संख्या है जो तीन है कि परिवर्तित नहीं है, यानी एक हो गया। तो देखेंगे एक किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए यहाँ पर एक श्रेणी दिया, ठीक, ये पूछ रहा है कि इस श्रेणी में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए पहले देखेंगे ये श्रेणी किस प्रकार से चल रहा है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पैंसठ दिया है, ठीक, क्या दिया है, पैंसठ लेके आ रहा है, नब्बे हो रहा है, नब्बे से क्या हो रहा है, 107 हो रहा है, 107 ले क्या हो रहा है, 116 हो रहा है, 116 से क्या हो रहा है, 121 हो रहा है, ठीक, कितना हो रहा है, 121। अब आपसे पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि 65 ले 90 किस प्रकार हो रहा है, ठीक। देखिए 65 ले 90 किस प्रकार हो रहा है, 65 में हम कितना जोड़ेंगे, अगर 65 में हम 25 जोड़ देते हैं, जब 65 में 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब 90 से क्या हो रहा है, 107, तो 90 में कितना जोड़ेंगे, 90 में 10 इधर हो गया और 7 इधर हो गया, यानी कितना जोड़ना है, 17 जोड़ देंगे। जब 90 में 17 जोड़ देंगे तो 107 आ जाएगा। अब 107 में 116 हो रहा है, ठीक, तो 116, तो इसमें क्या करेंगे, 9 6 15, यानी इसमें 9 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे। जब 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 116 आ जाएगा। 116 में 121 हो रहा है, 116 में हम कितना जोड़ेंगे, 116 में आपको 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 121 में हम कितना जोड़ेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यानी आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस पर क्या करेंगे, इसके बाद पहले एक बार नीचे आते हैं, नीचे क्या हो गया, 25 ले क्या हो रहा है, 17 हो रहा है, तो 25 में क्या करते हैं, 17 घटा लेते हैं। जब 25 में 17 घटाएंगे तो 8 माइनस बचेगा, 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस 8 बचेगा, ठीक। और यहाँ पर क्या देखिए, 9 में से क्या करते हैं, 9 में से 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 हो गया, ये माइनस में 4 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 8 माइनस 2 को दिया है, तो 2 को क्या करेंगे, माइनस 4, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी माइनस आपको 4 घटाएंगे, तो 5 में से जब 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 121 में क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, जब 121 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 122 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 122। तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। तो 122 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पांच नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कि निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या पूछा है, आधार पर, श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पर एक क्या दिया है, श्रेणी दिया है, इस श्रेणी में पूछ रहे ना कि उक्त संख्या श्रेणी में ऐसे कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है। पहले यहाँ प्रश्न समझिए ऐसा अच्छे तरीके से, इसमें क्या बोल रहा है, ये संख्या दिए, ठीक, इस संख्या में पहले एक विषम संख्या होना चाहिए, बोल रहा है ना कि विषम संख्या, ऐसे कितनी संख्याएं विषम है, यानी विषम संख्या, कितनी विषम संख्या है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, विषम रख लेंगे, ये विषम संख्या होगा, ठीक, ये क्या होगा, विषम, यानी इसमें कितनी ऐसी विषम संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, फिर पहले भी क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, ठीक, एक विषम होना चाहिए, और
ठीक बाद एक सम संख्या, बाद में क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। इसमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, सम संख्या आना चाहिए, ठीक, कितना आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। अब यहाँ से ढूंढिए, देखिए ये विषम संख्या हो गया, बीच वाली क्या हो गया, विषम, विषम के बाद में विषम हो गया, उसके बाद में सम संख्या, अभी यहाँ तक एक मिला, कितना मिला, एक संख्या मिला। देखिए अगर दो रखेंगे तो विषम सम संख्या हो जाएगा, ठीक, अगर तीन रखते हैं तो विषम हो गया, लेकिन उसके पहले भी सम संख्या, उसके बाद भी सम संख्या नहीं होगा। अब देखिए इसमें कौन दिख रहा है, तीन देखेंगे तो सम संख्या और विषम संख्या, ये भी नहीं होगा। देखिए अगर यहाँ पर रखते हैं कितने को, सात को रख, पाँच को रखिए, अगर पाँच को देखते हैं तो सम संख्या और विषम सम संख्या, दोनों तरफ सम संख्या गया। सात को देखिएगा तो सात के बाद सम संख्या, सम संख्या है, यानी इसमें ऐसी कितनी संख्या है, इसमें ऐसी एक संख्या है जो कि पाँच तीन छः, यानी तीन विषम संख्या है, बाद में दोनों तरफ सम संख्या और विषम संख्या है, यानी इसमें एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या, विषम संख्या के पहले विषम संख्या और सम संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो देखेंगे कि एक किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों छः नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएँ इकाइयों की संख्या को दर्शाती हैं, ठीक। और आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला है, बोला है कि ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग या तो चटाई हैं, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, दोनों नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ से पहले प्रश्न समझिए, इसमें दिया है कि एक डायग्राम दे, ठीक। इस डायग्राम से आपसे पूछा है ना कि ऐसे कितने सोफे हैं, ऐसे कितने सोफे हैं जो पलंग होना चाहिए, पलंग हो या तो चटाई हो, दोनों हो, पलंग चटाई दोनों हो, लेकिन लेकिन ये दोनों नहीं होना चाहिए, मानी पलंग चटाई दोनों एक में नहीं होना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर ये सोफा दिया है, ये पलंग दिया है, ये चारपाई दिया है और ये चटाई दिया है। आपसे क्या पूछा है, ऐसे कितने सोफे हैं, ये सोफा हो गया, देखिए इसमें ऐसे कितनी सोफे हैं, ये सोफा हो गया ना, इसमें ऐसे कितनी सोफे हैं जो 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 या तो पलंग हो या हैं या तो चटाई हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, पलंग को देख लेते हैं, पलंग कौन सा हो गया, पलंग आपको ई वाला हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये भी हो गया। अब इस हमको यही पूछा है, ठीक। इतने के बाद में, इसके बाद में फिर क्या बोल रहा है, चटाई हो, क्या हो, चटाई। तो चटाई हम इसको रख लेते हैं, चटाई कौन सा है, चटाई गोला वाला है, देखिए यहाँ से गोला वाला क्या हो गया, चटाई हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। अब इसके बाद में बोला है कि चारपाई को हमको नहीं लेना है, चारपाई छोड़ दीजिए। देखिए अब यहाँ से क्या पूछा है कि ऐसे कितने सोफे हैं जो जो या तो पलंग है या तो चटाई है, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक। तो आप देखिए ऐसे सोफे की संख्या जो पलंग है, क्या है, पलंग है। यहाँ पर सोफा हो गया, सोफा में देखिए अगर इसमें सोफा रखेंगे क्या में चरपाई में छोड़ देंगे तो ये गोला वाला को काट देंगे। तो इसमें क्या अभी दिख रहा है, पलंग भी है चरपाई भी है, चौदह दिख रहा है, चौदह क्या दिख रहा है, जो कि सोफा भी है और पलंग भी है। और फिर उसके बाद में कितना हो जाएगा, चौदह अभी दिखा है, कितना दिखा है, चौदह दिखा है। ऐसे सोफों की संख्या जो चटाई भी हैं, क्या है, चटाई भी होना चाहिए। देखिए सोफा की संख्या होना चाहिए जो चटाई होना चाहिए, पलंग नहीं होना चाहिए। देखिए ये तीन क्या है, सोफा में है, सोफा के बाद में चटाई में है, क्या है, चटाई भी है। ये कितना हो गया, ये भी तीन हो गया, दोनों क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, सत्रह हो जाएगा। यानी ऐसी सोफों की संख्या सत्रह हैं जो जो आपको या तो पलंग हो या तो चटाई है। तो सत्रह देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों सात नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका पाँचवीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, यहाँ पर दिया है आपको तेरह, तेरह से क्या हो रहा है, 234 हो रहा है, और नौ से क्या हो रहा है, 126 हो रहा है। और यहाँ से पूछा ना कि सात से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तेरह है, ठीक, तेरह से क्या हो रहा है, 234 हो रहा है, तेरह से क्या हो रहा है, 234 हो रहा है। फिर समानुपात दिया है, 9 दिया, ठीक, 9 के बाद में फिर 126 हो रहा है, क्या हो रहा है, 126। फिर समानुपात दिया है, फिर उसके बाद में सात पूछा है, सात और प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए तो क्या हो रहा है, 13 से 234 किस प्रकार है, तो 13 में क्या करेंगे, 13 को देखिए, 13 को क्या करते हैं, 13 को स्क्वायर कर देते हैं। जब 13 को हम स्क्वायर कर देंगे और फिर प्लस क्या करेंगे, 13 जोड़ देते हैं और पाँचले गुना कर देते हैं, तो 13 में जब से
13 में 13 से गुना करते हैं तो कितना होता है 169 आता है, 169। अब फिर क्या करते हैं प्लस 13 पाँच कितना होता है 65 होता है। अगर इसको हम सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 234 आ जाएगा, ठीक 234 आ गया। उसी प्रकार से हम इसको रखेंगे, 9 को क्या करते हैं 9 को स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस में क्या करेंगे 9 रखेंगे, फिर गुना क्या करते हैं 5 करते हैं। तो देखिए 99 कितना हो गया 81, यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, ठीक यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 हो गया, ठीक 81 हो गया। और 81 के बाद में फिर क्या करेंगे प्लस, 9 पाँच कितना होता है 45 होता है, 45 हो गया। अब इसको सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया, ठीक यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 126 आ गया, कितना गया 126 आ गया, ये 126 आ गया, ठीक उसी प्रकार से इसको भी रखना है। क्या करेंगे 7, 7 के क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं, जब 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7 जोड़ देंगे गुने में 5 करेंगे। देखिए 7 × 49 होता है, कितना हो गया 49 हो गया, 49 में प्लस 7 पाँच 35 हो गया, 35 49 35 सबको जोड़ लेंगे, जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84, कितना आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया 84 आ गया, तो 84 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा। देखिए यहाँ पर बोला ना कि 24 घंटे के प्रारूप में 4:15 बजे, 4:15 बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा, ठीक प्ररूप में। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे 24 घंटे में होता है तो 4:15 बजे, 4:15 को कितना बोला जाता है यानी 4:15 सवा हो गया, ठीक यहाँ पर देखिए यहाँ पर सवा हो गया, ठीक ये 4:15 4:15 ठीक 4:15 बजे, 4:15 बजे तो 4:15 को क्या बोलते हैं 4:15 कितना 15 मिनट, यानी 4:15 को बजे को 4:15 बोलते हैं, ठीक। अब आपसे पूछा है कि प्ररूप दर्शाता है यानी प्ररूप किस प्रकार दर्शाया जाएगा, तो 4:15 बोला है तो 4:15 कितना होता है जब 4:15 हो गया, ठीक 4:15 हो गया। अब आपसे बोला है ना कि देखिए अगर 4 बज गया, अगर 1 बजेगा तो कितना हो जाएगा 1 बजे, देखिए यहाँ से 1 बजे, 1 बजेगा तो कितना होगा 13 बजता है, यानी 1 को कितना होता है 13 बजेगा। अगर 2 को कितना बजेगा 2 को 14 बजेगा, 3 को कितना बजेगा 3 को 15 बजेगा, और यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4 को कितना बजेगा तो 4 को 16 बजेगा, कि 4 को कितना बजेगा 16 बजेगा, यानी 4 को 16 बजेगा और 16 बज के कितना मिनट हो जाएगा 15 मिनट, यानी 16 बज के 15 मिनट। आपसे क्या पूछा है 24 घंटे के प्ररूप में 4:15 बजे, 4:15 बजे यहाँ 4:15 ई बोल रहा है, ठीक तो 4:15 के बाद बोल रहा है कि बजे को किस प्रकार दर्शाया जाएगा, तो 16:15 यानी 4:15 को किस प्रकार दर्शाया जाएगा 16:15। तो 16:15 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। देखिए नीचे एक क्या दिया है एक समीकरण दिया, ठीक इस समीकरण में पूछ रहे हैं कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी चिन्ह को बदल देंगे, दो चिन्ह को यानी किस ऑप्शन में से चारों में से चिन्ह को बदल देंगे जो कि संतुलित हो यानी समीकरण जो है ना वो संतुलित हो जाए यानी संतुष्ट यानी सही बन जाए, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा इसमें किस में देखेंगे यहाँ को देखेंगे कि कौन से इस 4 ऑप्शन में से चिन्ह को बदलेंगे, तो चिन्ह को क्या करते हैं ए बदल कर देखते हैं, तो ए में क्या दिया गुना माइनस यानी गुना के जगह पर क्या करेंगे माइनस रखेंगे, ठीक गुना के जगह पर माइनस, माइनस के जगह पर गुना रखेंगे, तो गुना देखिए माइनस के जगह पर हम गुना रख लेते हैं और गुना के जगह पर क्या करते हैं माइनस रख लेंगे, और इस समीकरण को क्या किए चिन्ह बदल दिए। अब देखिए कितना बन गया ये 4 बन गया, 4 × 40 बन गया, फिर भागा कितना बना है 8, फिर प्लस कितना हो गया 3, फिर माइनस कितना हो गया 2, बराबर कितना है 6, ठीक कितना बन गया 6 बन गया। अब इसको देखिए सोल्व करते हैं, जब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे 4 × 8, 4 × कितना हो गया 8, 8 4 × 10 दिया है ना, 4 × 10 दिया है, ठीक 4 × 10 दिया है बटा में 8 कर लेंगे, फिर प्लस कितना हो गया 3 माइनस 2 बराबर बराबर में 6 हो गया। अब देखिए 2 × 8 हो गया 2 × 5 10 ये भी कट लिए, तो 5 × 3 8 कितना बचा यहाँ पर 8 बचा,
ठीक, 8 माइनस कितना हो गया 2 हो गया, बराबर कितना हो गया 6 हो गया, बराबर कितना दिया है 6 दिया है, यहाँ पर 6 हो गया। अब देखिए फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, अगर 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 बराबर बात कितना बचा है, बराबर में भी 6 यानी बचा है। देखिए 6 और 6 दोनों तरफ हो गया, यानी ये क्या हो गया संतुष्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया संतुष्ट हो गया, यानी कौन सा था ऑप्शन नंबर ए था, ऑप्शन नंबर ए को चिन्ह को परस्पर बदलने पर सही संतुलित हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया कि दिए गए आर्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं एक विश्वविद्यालय के विद्यालय में विश्वविद्यालय विद्यालय में विभिन्न उप यानी विभिन्न प्रोग्रामों को नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाती हैं। ठीक, यहाँ पर पूछा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है जो वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित हैं लेकिन गणित में नामांकित नहीं है। ठीक, ये प्रश्न के पढ़ने के बाद आपको किस तरह से सोल्व करना है, देखिए इतना पढ़ने के बाद में हमको इस डायग्राम में देखना है। ठीक, इस डायग्राम में देखने के बावजूद हमको यहाँ देखना है ना कि क्या पूछ रहा है कि उन छात्रों की संख्या कितनी है, उन छात्रों की संख्या कितनी है जो जो वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है, यानी अर्थशास्त्र में भी नामांकन कराया है और अर्थशास्त्र और वाणिज्य दोनों में नामांकन कराया है लेकिन यानी गणित में नहीं कराया है, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों में कराया है अर्थशास्त्र और वाणिज्य। देखिए अर्थशास्त्र ई हो गया, वाणिज्य ई हो गया, देखिए इसको हम क्या रखते हैं ई वाणिज्य हो गया, अब ई वाला क्या हो गया अर्थशास्त्र हो गया, लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि मैथ यानी इसमें पूछा है ना कि गणित का नहीं लेना है, तो गणित यहाँ से है इसको हम नहीं लेंगे, कि गणित को नहीं लेंगे, गणित को हम काट देंगे। ठीक, गणित को काट लेंगे, आपसे क्या पूछा है कि वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है। देखिए अर्थशास्त्र में अगर 118 लेंगे तो खाली अर्थशास्त्र में नामांकित हो गया, अगर वही हम 112 लेंगे तो वाणिज्यिक में हो गया, लेकिन हमसे पूछा है कि दोनों में होना चाहिए तो दोनों में होने के लिए क्या दिया है और गणित भी नहीं होना चाहिए, तो देखिए 45 है, 45 जो है ना वो वाणिज्यिक है और अर्थशास्त्र है और गणित में नहीं है, यानी ऐसी 45, देखिए उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी ऐसी 45 छात्र हैं, 45 छात्रों की ऐसी 45 छात्र हैं जो वाणिज्यिक और क्या है वाणिज्यिक और अर्थशास्त्र दोनों में नामांकित है, यानी 45 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।